पापा के इतने दोस्त थे, रुक के भी हर बातचीत करते हैं उनसे, हमें बहुत गुस्सा आता है पापा पर। हमने थोड़ा कुछ पढ़ाया है, अभी भी आपको है एहसास? एग्जैक्टली, क्यों नहीं, आपने इतना अच्छा पढ़ाया सर। आप वहाँ से जब आए थे हमें इतना अच्छा गाइड करते थे, आप की वजह से ही हम यहाँ तक पहुँचे। हमारे दोस्त पहली दफा आपने देखा होगा हमारे साथ, शाह साहब हैं। यहाँ पर रन सुबह सुबह ये रेडी है, कोट पहन के, पेंट और जूते पहन के रेडी है। किधर जा रहे हो सुबह सुबह तैयार होके? क्या काम है वहाँ पे? शॉपिंग करेंगे। किसकी शॉपिंग करनी है? मुझे पता। यहाँ यमुना भी रेडी है अपना रेड कोट पहन के। यमुना से पूछते हैं, यमुना किधर जाना है आज आपने? जाना है छल्त वैली। क्या करना है छल्त वैली में? कपड़े लेने। जी हाँ गाइज, आज हम जा रहे हैं दोबारा से छल्त वैली। नीचे जरा उतर के बात करते हैं। आपके जहन में ये तो सवाल उठेगा, भाई हुंजा वैली से आप छल्त वैली क्यों जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए? हमने कुछ चीजें ऐसी लेनी है जो हुंजा वैली में अवेलेबल नहीं है, जो की हमें मिलेंगी छल्त वैली में। अंजुम भी रेडी है आज, अंजुम ने अपने स्पेशल जूते पहने हैं स्नो वाले। मौसम एज यूजल बहुत नॉर्मल है, कोई सर्दी नहीं, कोई ठंड, कोई हवा, कुछ भी नहीं। गाइज अरजान सुबह सुबह ही ना एक सॉन्ग आप लोगों को सुनाना चाहता है, और ये सॉन्ग सुन के आप बहुत ज्यादा महसूस होंगे। यार ये छींक भी ना आजकल डेली आती है मुझे। राका पोशी पीक का नजारा देखो, सुबह के टाइम पे राका पोशी पीक का क्या कमाल का नज़ारा है। अलियाबाद बाज़ार में कुछ रश नहीं है ना आज? हाँ। वैसे यार सर्दियों के मौसम में ना अलियाबाद बाज़ार में रश नहीं, एक सन्नाटा सा होता है ना, आज एक्साइटेड हो लगता है। हाँ। गाइस हमारे पापा के इतने दोस्त थे, रुक के भी हर बातचीत करते हैं उनसे, हमें बहुत गुस्सा आता है पापा पर। यमुना अगर जान पहचान है ना, पुलिस वाले भी दोस्त थे, पैसे लेने वाले भी, अगर सब्सक्राइबर है ना सब जानते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं, फिर मिलना पक्का। हमें जानती है, सब जानते हैं, इधर आपकी वीडियोस देखते हैं, सब इज्जत देते हैं, तो फिर जंगल भी हमें जानती है। तो इसमें गुस्से की कौन सी बात है यमुना, बातचीत तो करना पड़ता है ना। गुस्सा आता है। आपको गुस्सा आता है इस बात पे? फिर नहीं करे गुस्सा। क्यों गुस्सा करती हो सब्सक्राइबर से मिलने में? बिठा के धूप में? कौन सी धूप है इधर, बाहर कौन सी गर्म धूप है, आपको तकलीफ होती है? क्या कह रहा है अरजान? पोपट हो गया पहले तो बक बक करके बातें, बक बक करके अभी नहीं शर्माता है, अभी शर्माता है कैमरे के सामने ना बोल नहीं पाता, जो ऑफ द कैमरे जो बातें करता है ना वो कैमरे के सामने नहीं करता। ये कौन सी जगह है जहाँ से हम सेब नहीं खाते? हाँ, अभी भी सेब ले लीजिए। ठीक है, आपको भी बड़ा सेब चाहिए? ठीक है जी, सेब दिलाते हैं आपको। नहीं है यमुना, फ्रूट नहीं है इनके पास। नहीं नहीं है, है। लेकिन लेकिन बेकार से सेब है इनके पास। एक आध सेब लेके आता हूँ। नहीं बस रुको, डेली तो ना इनके पास बड़े वैरायटी के सेब होते हैं, छोटे वाले थे हमने ले लिए 1 किलो सेब, सारे मेले हैं। आगे चलते हैं, पानी में धो के मजे से खाएंगे, पानी भी पीना है। हुंजा से गिलगित जाते हुए ये वाला नज़ारा ना मैं लाजमन शूट करता हूँ। गाइस यहाँ रास्ते में बुजुर्ग मिला, उसको बिठाने के लिए हम रुके हैं। मेरी ज़ाती तौर पर कोशिश होती है कि बुज़ुर्ग लोगों को मैं बिठाऊं गाड़ी पे और उनको अपने मंजिल पे ड्रॉप करूं। आराम से आराम से। आते जाते रास्ते से ये बुज़ुर्ग लोग मैं बिठाता हूं, ये उतरते वक्त इतनी दुआएं देते हैं ना कि वो दुआएं सुन के दिल खुश होता है। जी यमुना क्या हुआ, प्यास लगी है? बस अभी राका पोशी भी पॉइंट पहुँचने वाले हैं, वहाँ रुकते हैं, पानी भी पियेंगे, सेब भी दो के मजे से खाएंगे, फिर आगे निकले। निकलो शंभुशाह जो, निकलो। नहीं निकलना है, बस बैठो इधर ही। मैं क्यों निकल गए, बैठो ना बस। इतना सॉफ्ट है, ऐसा लग रहा है जैसे हम मक्खन खा रहे हैं। ठंडे सेब खा के सर्दी लगी।
तो चलें गाइस, अभी बच्चों को मैंने यहाँ उतारा है, ये जा रहे हैं छल्त वैली, वहाँ कुछ परचेजिंग करेंगे। तब तक मैं जाऊँगा जगलोट गूर चश्मा होटल के पास, एक चीज़ लेनी है। आंखें फाड़ के देखते हैं मकामी लोग मुझे। गाइस मैं आया हूँ यहाँ गिरी का तेल लेने। तो चलें गाइस, गिरी का तेल ले लिया, अभी चलते हैं सीधे छल्त वैली। जिस चीज़ के लिए मैं छल्त वैली आया था ना, वो मिली ही नहीं। तो ये दीदा मेरी स्कूल की शागिर थी, इनको मैंने पढ़ाया है। तो 16 साल बाद मैं पहली दफ़ा मिला, तो यहाँ हॉस्पिटल में ये एज ए मेडिकल ऑफिसर है यहाँ नगर हॉस्पिटल में। तो आज पहली दफ़ा मैं मिला इनसे 16-17 साल के बाद। तो दीदा बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। सर मुझे तो आप याद थे सर, आपने हमें इतना अच्छा पढ़ाया, हम कैसे भूल सकते हैं। बड़ी खुशी होती है कि जब शागिर्द कामयाब हो के ऐसे उहदों पे आते हैं ना। थैंक यू सो मच। सबसे बड़ी खुशी मुझे होती है सर, और मैं आपके व्लॉग्स वगैरह देखती हूँ। अच्छा, अच्छे अच्छे व्लॉग्स होते हैं सर, ये आपके लिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में आपके लॉन में है, आपके घर में, मतलब हमने थोड़ा कुछ पढ़ाया है, अभी भी आपको है एहसास। एग्जैक्टली, क्यों नहीं, आपने इतना अच्छा पढ़ाया सर। आप वहाँ से जब आए थे हमें इतना अच्छा गाइड करते थे, आप की वजह से ही तो हम यहाँ तक पहुँचे। चले, तो बहरहाल बड़ी खुशी होती है गाइज, इस तरह के शागिर्द हमसे पढ़ लिख के निकल के बड़े अहदों पे अपने आप को कामयाब करते हैं ना, तो बहुत खुशी होती है। तो यही सब कुछ है इस दुनिया में, कि अगर आपको इस दौर में शागिर्द से अनकंडीशनल अगर रिस्पेक्ट मिलती है ना, तो इससे बड़ी बात क्या है। दुनिया में पैसा सब कुछ नहीं है, सबसे बड़ी दौलत यही है। और ये लिटरली मुझे बड़ी खुशी हुई इतने अरसे बाद आपसे मिल के। थैंक यू सो मच। अभी डॉक्टर साहब ना बिजी हैं, क्योंकि पेशेंट आते हैं, तो मैं ज्यादा इनको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, ऑफिशियल टाइम है। आज बहुत खुशी हुई मुझे अपनी शागिर्द से मिलकर। अब मेरे जो शागिर्द है ना, 16 साल 18 साल पहले मैंने उनको पढ़ाया है, अभी बड़े बड़े ओहदों पे हैं, जब भी मिलते हैं उससे ज्यादा मुझे इज्जत देते हैं। हमारे दोस्त पहली दफा आपने देखा होगा हमारे साथ। वैसे ये कराची बाई बर्थ कराची की है, बड़ी अच्छी उर्दू बोलते हैं कराची, वो तहजीब वाली। जी शाह साहब, हमारे व्यूअर्स से बात करें आप। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। महबूब साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, इनका हुस्न नज़र है, इनकी ज़रा नवाजी है जो इन्होंने इन अलकाबात से नवाजा। नाचीज की ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन महबूब साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और अल्लाह इनको सेहत दे, ज़िंदगी दे, और ये अपना अच्छा काम इसी तरह जारी रखें। फ्रेंकली स्पीकिंग, शाह साहब वाहिद इंसान है जिनसे उर्दू बोल के मुझे बड़ा मजा आता है। जज़ाकअल्लाह। बहरहाल इनके साथ मेरा आजकल ना बड़ा क्लोज ताल्लुक है। तो अभी चलते हैं, गर्म गर्म सूप पी लेते हैं, वैसे भी सर्दी है शाह साहब। चले गाइस, शाह साहब के साथ ना बड़े मजे का सूप पिया। हाँ जी, बहुत मजा आया। अच्छा, ऑफिस आप कब क्लोज करते हैं अपना? बस जी 5:30 बजे। ठीक है शाह साहब, बहुत शुक्रिया। तो गाइस अभी ना मेरे साथ पोपट हो गया, मैं चाबी भूल के आया, तो अभी चाबी मैं लेके नहीं आया हूँ, अभी मैं जाके क्या करूँ हुंजा में, इसलिए अभी मैं जा रहा हूँ वापस छल्त, वहीं पे मैं रात गुजारूंगा और सुबह बच्चियों के साथ वापस हुंजा आएंगे। बस भाई इत्तेफाकन मुझे मिले और इनके साथ इनके घर आया हूँ अभी मैं, और इतना गर्म है कि मुझे पसीने आ रहे हैं इसमें लिटरली। अभी आवाज भाई के घर में इन्होंने ये छोटा सा कमरे को विंटर रूम बनाया है, ये बीच में गेटी है, आग जबरदस्त जल रही है। अब ये देखें, साथ खाना भी बन रहा है और साथ साथ हीटिंग भी मिलती है। ये देखें गाइस, ये चिकन कढ़ाई बनी है, ये है जी सलाद, और ये देसी अचार, ये बड़ा स्पेशल है मेरे लिए। ये रोटी है वास भाई के घर में बनी ना, बड़ी स्पेशल, ये देखें बिल्कुल पतली नरम और शेप इसका देखिए। जो खाना बास भाई के घर में खाए ना, वो तो है ही बड़ा मजेदार, लेकिन साथ इस विंटर रूम में पिंगेटी भी लगी है, हीट भी आ रही है, के साथ साथ दस्तरखान पे बैठ के खाना खाना ना, एक नेचुरल फीलिंग मुझे आ रही है। बस भाई मजा आया खाने में, यकीन जानिए।